हेलो फ्रेंड्स मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन डेली ब्लॉग में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे लेजर अकाउंट क्रिएट किया जाता है मल्टीपल टाइप ऑफ लेजर अकाउंट मैंने आपको बताया था कि टैली में कैसे क्रिएट किया जाता है आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कैसे होता है ग्रुपिंग कैसे होती है तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोग से कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा सब्सक्राइब का बटन जो है रेड कलर का मेरे वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आगे इन फ्यूचर में आने वाली वीडियोस जो है वो मिस नहीं हो पाएंगी आपसे सो चलिए डिस्कस करते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जैसे कि लेजर अगर क्रिएट करना होता है तो हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं अगर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता है तो हम इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम या अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप में चाहिए अगर आपको आइटम क्रिएट करना है तो आप आइटम में जाइए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पहले हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आप सिम्बॉल डालिए पहले हम केजी का क्रिएट कर लेते हैं फॉर्मल नेम जो है वो किलोग्राम आएगा वन किलोग्राम में वन थाउजेंड ग्राम होता है तो थ्री जो डेसिमल है वो थ्री हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे केजी का जो है मेजर ऑफ यूनिट्स क्रिएट हो गया है अब क्रिएट कर लेते हैं नंबर्स का फॉर्मल नेम जो है वो नंबर हम डालेंगे यहाँ पर और यू क्यू सी जो लिस्ट ऑफ़ यू क्यू सी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर है तो आप बॉक्सेस इसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं बॉक्सेस बॉक्सेस यहाँ पे हम स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे फिर एक और लेज़र में क्रिएट कर लेती हूँ यूनिट्स का पीसी में क्रिएट कर लेते हैं फॉर्मल नंबर जो है पीसेस में आएगा यू है तो आप इसके लिए भी बॉक्सेस ले सकते हैं या पीसेस भी ले सकते हैं फिर हम क्रिएट कर लेते हैं लीटर का लीटर का जो है फॉर्मल नेम लीटर होगा एंड लीटर है तो ये बॉटल्स में आप चूज़ कर सकते हैं इसको बी डी में तो इस तरीके से मैंने आपको यूनिट्स ऑफ आप मेजरमेंट क्रिएट करना बताया है इसी तरीके से हम कंपाउंड भी क्रिएट कर सकते हैं कंपाउंड मीन्स कि अगर आप किसी को अगर कोई राइस ले रहा है डेढ़ के जी राइस ले रहा है तो 1.5 आप कैसे इसमें मेजर करेंगे तो उस टाइप से हम यहाँ भी क्रिएट करेंगे के जी ले लेंगे कंपोनेंट्स में 1000 ले लेंगे ले, एंड ले ले ले। ग्राम मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है तो मैं ग्राम का भी क्रिएट कर लेती हूँ फॉर्मल नेम ग्राम में आ जाएगा यू की उसे आप बॉक्सिस में ले सकते हैं तो अब हम कंपाउंडेंट का क्रिएट करेंगे कंपाउंडेंट में जो फर्स्ट फर्स्ट जो कंपाउंडेंट होगा वन थाउजेंड ग्राम होगा ग्राम में हम सेलेक्ट कर लेंगे इसे इसी तरीके से हम लीटर का भी क्रिएट कर लेंगे लीटर में यहाँ पे वन थाउजेंड मिली का भी मैंने शायद नहीं किया मैं मिली का भी क्रिएट कर लेती हूँ अब हम क्रिएट करेंगे लीटर का लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑफ है उसको मिलीलीटर में सेलेक्ट करेंगे इसी तरीके से हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर लिया है तो अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप स्टॉक ग्रुप वो होता है जैसे कि स्टॉक ग्रुपिंग वो होता है जैसे कि आप के पास बहुत सारे वेरिएशन आप सेल कर रहे हैं जैसे कि आप अगरबत्ती सोप कर रहे हैं अगरबत्ती में बहुत सारे वेरियंट वेरिएट्सन हो, होते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि सारे अगरबत्ती का जो लेज़र है वो एक जगह दिखे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो है वो लेज़र एक जगह दिखे ऑयल्स के लेजर एक जगह दिखे तो इसलिए ये किया जाता है मैं पहले ऑयल्स का क्रिएट कर लेती हूँ उसके बाद मैं क्रिएट कर लूँगी इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी अंडर जो है वो प्राइमरी के अंडर में आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत चीज़ें होती हैं तो उसके अंडर में आप सारे सेलेक्ट करेंगे देन मैं क्रिएट कर लेती हूँ अगरबत्तीस का मैंने बताया ना आपको वेरिएशन बहुत सारे होते हैं अगरबत्तीस के तो हम जो स्टॉक आइटम जो क्रिएट करेंगे अगर बत्तीस के सारे इसके अंडर में हम रखेंगे सो so इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे अब हम क्रिएट करते हैं फूड का फूड का भी हम जैसे मैंने बताया जो टेबल थिंग होती है शुगर हो गया राइस हो गया स्नैक्स हो गया ये सारे हम इसके अंडर में स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे इस तरीके से हमने जो स्टॉक ग्रुप है वो भी क्रिएट कर लिया है अब हम करेंगे अब हम करेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट क्रिएशन पे क्लिक करके हम यहाँ पे जो आइटम का नाम है वहाँ पे क्रिएट करेंगे मैं बासमती राइस का क्रिएट करके आपको दिखा रही हूँ एलियास मीन्स कोड होता है ये कोड होता है ज़ीरो ज़ीरो वन डाल लेते हैं जब आप ये अंडर में आएगा फूड के ये कंजूमेबल थीगे इटेबल है, है बासमती राइस तो फूड के अंडर में जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ग्रुपिंग कैसे क्रिएट करते हैं यूनिट्स इसमें के लेंगे और अल्टरनेटिव यूनिट्स अगर आप चाहें तो भी आप कर सकते हैं सेलेक्ट तो यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट्स जो है के जी पे होगा ग्राम और हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे जी एस टी एप्लीकेबल होगा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेम होगा बासमती राइस है तो बासमती राइस होगा एच एस एन कोड अगर आपको किसी आइटम का नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं यहाँ पे मैं गूगल कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इस आइटम का एच एस एन कोड नहीं पता है एच एस एन कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं बासमती राइस का एच एस एन कोड है वन डबल ज़ीरो सिक्स थ्री जीरो टू जीरो इसको हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे टेक्बिलिटी में टैक्सेबल होगा अब यहां से हम जीएसटी रेट भी देख लेते हैं बासमती राइस पे कितना जीएसटी लगता है तो बासमती राइस पे एटीन परसेंट जीएसटी लगता है यहां पे हम लिस्ट टैक्स रेस्ट हिस्ट्री में आप जाके एप्लीकेबल फॉर्म फॉर्म डालेंगे कि कब से ये एप्लीकेबल होगा जो आप डिटेल सारी फीड कर रहे हैं तो इसमें फाइनेंशियल ईयर मांगता है एक चार ट्वेंटी डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में सेम चीज बासमती राइस होगी एच एस कोड यहाँ पर पे आप पेस्ट कर दीजिए एंड स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए यहाँ पर जो जी का टैक्स रेट जो है वो एटीन है तो एटीन डाल दीजिए गुड्स आप टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करके क्रिएट कर लीजिए एक और आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं हम हैंड ब्लेंडर क्लियर क्रिएट कर लेते हैं ये अंडर में जो जाएगा वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक आइटम है यूनिट्स में हम इसे पीसेस में भी ले सकते हैं नंबर में भी ले सकते हैं जी टी एप्लीकेबल होगा यहाँ पे सेम डिस्क्रिप्शन सेम होगा सेम आइटम होगी अच्छे सेन कोड अगेन हम यहाँ से सर्च कर लेंगे किसी भी चीज़ का अगर आपको अच्छे सेन कोड नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिए एट फाइव वन सिक्स इसका अच्छे से कोड है टेक्सीबल टेक्सीबल होगा यहाँ पर अब हम इसका रेट भी देख लेते हैं इसका जी एस टी जो है वो है एटीन परसेंट एटीन परसेंट हम यहाँ पे टैक्स रेट हिस्ट्री में सेम एप्लीकेबल डेट सेम डालेंगे डिस्क्रिप्शन सेम होगा जो आइटम है एच एस एन कोड यहाँ पर पे हम पेस्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे हम टैक्स रेट डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे ये इसका लेजर क्रिएट हो गया अब मैं क्रिएट करती हूँ कोकोनट ऑयल ऑयल के लिए मैंने अंडर में आपको बताया था जो ग्रुप क्रिएट किया था ऑयल उसके अंडर में आएगा ऑयल है तो ये लीटर में होगा लिक्विड चीज़ है लीटर में आएगा अल्टरनेटिव आइटम जो है वो लीटर में हम लेंगे यहाँ पे 1000 थाउजेंड लीटर इक्वल टू वन थाउजेंड मिली लीटर टू वन लीटर यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे सेम एच कोड सेम वही है आप सर्च कर लीजिए सर्च कर सर्च करके यहाँ से आप सर्च कर लीजिए जीरो एट जीरो वन एच एस एन कोड है टैक्सेबल होगा एंड टैक्स रेट हिस्ट्री में सेम है एप्लीकेबल डेट होगा डिस्क्रिप्शन होगा सेम चीज़ एच एस एच एस एन कोड फिर हम यहाँ पे जो जी एस टी रेट जो इसका है वो फाइव परसेंट है फाइव परसेंट हम डालेंगे सी जी एस टी एस जी एस टी टू पॉइंट फाइव जीरो पिक कर लेगा तो ये ये भी लेजर जो है वो क्रिएट हो चुका है फ़ैन का हम क्रिएट कर लेते हैं फ़ैन जो है इलेक्ट्रिक आइटम है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा यूनिट्स हैं तो ये नंबर में भी पीसेस में भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सेम फैन फैन आएगा एच्छे कोड आप यहाँ से ले लीजिए सीलिंग फ़ैन हमें टाइप करना पड़ेगा फ़ैन बहुत टाइप के होते हैं तो सीलिंग फ़ैन का एचे कोड हमने टाइप कर, पेस्ट कर लिया है अब यहाँ से हम इसका टैक्स रेट देख लेते हैं एटीन परसेंट जी एस टी रेट फॉर सीलिंग फैन एटीन परसेंट है टैक्स रेट हिस्ट्री में एप्लीकेबल फ्रॉम वन टू ट्वेंटी होगा सेम प्रोसीजर है यहाँ पे आप रेट डाल दीजिए टैक्स रेट एंड एक्सेप्ट कर लीजिए ये भी आपका क्रिएट हो गया है अब एक क्रिएट कर लेते हैं मार, मोगरा अगरबत्ती अगरबत्ती जो है इसका हमने ग्रुप क्रिएट किया था अगरबत्ती तो ये अंडर जाएगा अगरबत्ती इसके तो ये अगरबत्ती जो होता है वो रोल में आता है तो यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया था एल्ट सी करके यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं रोल डाल दीजिए यहाँ पे फॉर्मल नेम जो है रोल है तो रोल का बंडल में आएगा बंडल डाल दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेम होगा मा, मोगरा अगरबत्ती एच एस एन कोड हम नीचे डालेंगे सेम हम सर्च करेंगे अगरबत्ती का भी यहाँ से हम अगरबत्ती का जो अच्छे कोड है वो फिल कर देते हैं अगेन टैक्स रेट हिस्ट्री में हम इसका रेट भी देख लेते हैं कि कितना जी लगता है वैसे अगरबत्ती पर तो फाइव परसेंट लगता है यहाँ पे आप देखिए फाइव परसेंट फाइव परसेंट टैक्स रेट में डालेंगे एप्लीकेबल फ्रॉम वन टू थाउजेंड ट्वेंटी डालेंगे मार्गो अगरबत्ती है कोड एंड यहाँ पे हम टैक्स रेट डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे अब मैं आपको दिखाती हूं जो हमने लेजर क्रिएट किया था यहां पे आप स्टॉक समरी में आइए आप देख सकते हैं अगरबत्ती स्टॉक समरी आप गेटवे ऑफ टैली से आप नीचे देखेंगे स्टॉक समरी दिखा रहा है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए अगरबत्ती इलेक्ट्रॉनिक्स फूड ऑयल सारा कुछ यहाँ पे जो ग्रुप यहाँ पे ग्रुपिंग दिखा रहा है अब हमने जो आइटम क्रिएट किया था वो अंडर इसके होगा म, मोगरा अगरबत्ती फैन हैंड ब्लेंडर बासमती राइस कोकोनट ऑयल डिटेल में आप जाके क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको शो करेगा एक मैं लेजर आपको और क्रिएट करके दिखाती हूँ शुगर का क्रिएट करके दिखाती हूँ फूड के अंडर में आएगा शुगर है तो के में आएगा सेम प्रोसीजर है डिस्क्रिप्शन में शुगर आएगा एचेसिन कोड हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं टैक्स रेट हिस्ट्री में एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2020 शुगर एच कोड जो है रेट हम चेक कर लेते हैं कितना शुगर पे जीएसटी लगता है शुगर पे जो जीएसटी है वो फाइव परसेंट है और जो एच कोड है फाइव परसेंट एच एस कोड चेंज हो जाएगा सत्रह सौ एक है एच कोड तो सत्रह सौ एक यहाँ पर फिल करके एक्सेप्ट कर लेंगे हम आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो चेंज हो गया होगा तो ये शुगर का आपने लेजर क्रिएट कर लिया है स्टॉक आइटम अब वहाँ पे जाके मैं दिखाती हूँ आपको कि शुगर का भी वो फूड के अंडर में आपको दिखाएगा डिटेल पे क्लिक कर लीजिए शुगर के अंडर में आप देख सकते हैं पहले हमने सिर्फ बासमती राइस किया था शुगर भी किया तो वो भी इसके नीचे क्रिएट दिखा रहा है तो जिस जितने आइटम है आप क्रिएट करते जाएंगे तो वो उसके अंडर में नीचे नीचे दिखाते जाएंगे देखिए सारे लेजर आपको दिखा रहे हैं फ़ैन के अंदर में फ़ैन का फूड के अंदर में फूड का सारा अभी इसमें हमने कुछ अभी क्रिएट नहीं किया है इनआउट कुछ नहीं किया इसलिए क्वांटिटी रेट वैल्यू अभी शो नहीं कर रहा है आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा थैंक यू